दोस्तों आज कहानी है 24 साल के भारतीय मुस्लिम युवक अब्दुल करीम की, और कहानी के दूसरे छोर पर खड़ी है 70 साल के अंग्रेजों की महारानी क्वीन विक्टोरिया। प्यार न उम्र देखता है, न शक्ल देखता है, न सीरत देखता है, प्यार तो बस समर्पण देखता है। मछली का पानी के प्रति समर्पण ही है कि पानी से दूर होते ही मर जाती है, ऐसा ही समर्पण था अंग्रेजों की महारानी क्वीन विक्टोरिया और भारतीय मुस्लिम अब्दुल करीम के बीच में। दरअसल आगरा जेल के क्लर्क अब्दुल करीम को महारानी की सेवा के लिए 1887 में लंदन भेजा गया, और वहां जाकर करीम ने महारानी की खूब सेवा की। महारानी को उर्दू सिखाने लगा और महारानी भी तन्मयता के साथ में उर्दू सीखने लगी। दरअसल उर्दू सीखना तो एक बहाना, क्योंकि उर्दू के बहाने ही दोनों के बीच में प्रेम पनप रहा था, और ये उर्दू का प्रेम इतना पनपा कि अक्सर महारानी अब्दुल के ख्यालों में खोई रहती, हमेशा उसको पत्र लिखा करती थी। पत्र के अंत में XXX का साइन बना करती थी, जिसका मतलब चुंबन से लगा जाता है। आलिंगन और चुंबन तो प्रेम के दो स्तंभ है, जिनके बिना प्रेम रूपी वैतरणी में डुबकी लगाना संभव सा है। एक बार अब्दुल करीम के पिता लंदन में बेटे से मिलने के लिए जाते हैं। महारानी ने करीम के पिता को अंग्रेजों के उस शाही महल के उसी कमरे में ठहराया जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहते थे। इतना ही नहीं, उनको पीने के लिए हुक्का दिया गया, और लंदन के बकिंगम पैलेस में हुक्का गुड़गुड़ाने वाले करीम के पिता पहले भारतीय बने थे। इसी से आप उनके प्यार का अंदाजा लगा सकते हैं। अब्दुल करीम बीमार हो जाते हैं, और बीमार करीम को मिलने के लिए अंग्रेजों की 70 साल की महारानी क्वीन विक्टोरिया प्रोटोकॉल तोड़ करके दिन में दो बार मिलने के लिए जाती, और वहां उनको दवाई देती, तकिया ठीक करती, और रात को गुड नाइट बोल के ही वापिस आया करती थी। आती भी क्यों नहीं, आखिर अब्दुल करीम 6 फुट की सॉलिड बॉडी वाला लड़का था। कई बार महारानी को करीम के पास में देर रात हो जाती थी, तब महारानी और करीम आपस में बातें करते थे। महारानी की तरफ से, देखो गई आधी रात सजन अब घर जाने दे, देखो गई आधी रात सजन अब घर जाने दे, चांद भी ले आया है बारात अब सजन घर जाने दे, तुमसे फिर मिलने का वादा कर तो दिया है हमने, तुमसे फिर मिलने का वादा कर तो दिया है हमने, जागी है दुनिया उससे पहले सजन अब घर जाने दे। हर समय अंग्रेजों की महारानी इसी कयावाद में रहती कि कैसे भी हो बस अब्दुल करीम को अपना बना के रखना है। वो किसी भी कीमत पर करीम को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए तो महज आगरा जेल में 60 रुपए महीना लिपिक का काम करने वाले करीम को भारत में 300 एकड़ जमीन दान में दे दी गई। इतना ही नहीं, लंदन के शाही महल के अंदर 3 अलग अलग घर उनको रहने के लिए दे दिए जाते हैं, क्योंकि अब तो रानी को करीम की आदत सी हो गई, और आदत तो मोहब्बत से भी खतरनाक बताई जाती है। एक बार जब रानी को यूरोप जाना था तो करीम को साथ ले जाने लगी। शाही महल के सारे कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी, परंतु करीम और रानी के प्रेम के आगे वो इस्तीफे किसी काम नहीं आए, और आखिर करीम को रानी यूरोप की यात्रा के ऊपर ले जाती है। वहां जाकर समय मिलते ही उर्दू सीखने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि करीम महारानी का पहला प्यार था। दरअसल 1861 में महारानी के पति की मृत्यु के बाद में जॉन ब्राउन उनको स्पेनिश सिखाने आया करते, क्योंकि महारानी तो इस संसार में सीखने के लिए आई थी, बस सिखाने वाला चाहिए। 23 जनवरी 1901 अंग्रेजों की महारानी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद लंदन के बकिंगम पैलेस में रानी के शव के एकांत में दर्शन करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे अब्दुल करीम। कुछ दिनों बाद करीम के घर में छापा पड़ता है, और महारानी के भेजे हुए शस्त्रों को जला दिया जाता है। करीम को जलील करके भारत भेज दिया जाता है। क्वीन विक्टोरिया का ये आखिरी आशिक भारत आकर प्रतिदिन उनके प्यार में तड़पता रहता। साल 1909 में हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। तभी तो प्यार के बारे में कहा गया है, न ताज की ख्वाहिश है ना किसी ताजमहल की, न ताज की ख्वाहिश है ना किसी ताजमहल की, ना हमें चांद की ख्वाहिश है ना ही किसी चांदनी रात की, बस जिंदगी भर ये साथ निभाए रखना सनम, बस जिंदगी भर ये साथ निभाए रखना सनम, ना हमें साहिल की तमन्ना है ना किसी सहारे की। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद।